उदयपुर शहर की रहने वाली एक महिला श्रीमती इंदिरा सोनी ने उदयपुर न्यायालय में एक परिवाद पेश करते हुए स्टार भारत टीवी चैनल के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इनकी टीम के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसे एक सीरियल के एपिसोड में उसकी बिना सहमति के मृतक के रूप में दिखाया गया। साथ ही महिला की तस्वीर सीरियल में दिखाते हुए उसे मृतक के रूप में दिखाया गया है, जिसे लेकर महिला काफी आहत हुई है। वैसे हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला इस प्रकार का है कि पीड़िता को मृतक बताकर सावधान इंडिया के एक एपिसोड में उसकी बिना स्वीकृति के उसकी तस्वीर को सीरियल में दीवार पर हार पहनाकर टंगा दिया गया और पीड़िता को उदयपुर शहर के एक अय्याश व्यापारी और हत्यारे की पत्नी और प्यार में असफल हत्यारे बेटे की माँ बताया गया है। स्टार भारत चैनल द्वारा सावधान इंडिया के नाम से दिनांक 23 फरवरी 2018 को डर कर नहीं डर कर एपिसोड नंबर 2381 प्रसारित हुआ, जिसमें एंकर सुशांत सिंह द्वारा कहा जाता है कि यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और माँ बाप की बेहतर परवरिश नहीं होने के कारण संतान की यह अवस्था हुई है। पीड़ित महिला के अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने बताया कि मूल कहानी एक तरफा असफल प्यार के संदर्भ में हुई हत्यारों के संदर्भ में इस प्रकार से है कि अभय, जिसकी माँ की मौत हो चुकी है, वह सौम्या से एक तरफा प्यार करता है, जबकि सौम्या निखिल से प्यार करती है, जिस कारण अभय निखिल से हुई तकरार को मिटाकर उससे मित्रता कर लेता है, जिसके पश्चात वह अपने मित्र रोहन की मदद से निखिल का खून कर देता है और सौम्या से सहानुभूति जताकर सौम्या के नजदीक आता है और अपने मित्र रोहन की अपने पिता के साथ मिलकर उसी मित्र की भी हत्या करवा देता है, जिसकी सहायता से उसने निखिल का खून कर दिया था। कुल मिलाकर यह सीरियल दर्शाता है कि पीड़िता एक असभ्य, असंस्कारित और हत्यारों के परिवारों की माँ और पत्नी है और उसका पालन पोषण और अच्छे संस्कार नहीं दिए जाने के कारण उसका पुत्र हत्यारा बन जाता है। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला और उसके अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको भी सुनवाते हैं। भारत का एक प्रसिद्ध चैनल जो कि स्टार भारत के नाम से जाना जाता है, उसका एक चैनल चलता है जो सावधान इंडिया के नाम से एक एपिसोड प्रकाशित किया जाता है। उस और एपिसोड के प्रारंभ में ही उसके एंकर श्री सुशांत सिंह द्वारा कहा जाता है कि यह जो सीरियल दिखाया जाता है यह सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसी प्रकार का एक मामला है कि दिनांक 23 फरवरी 2018 को एक एपिसोड प्रकाशित किया गया डर कर नहीं डट कर, जिसमें उदयपुर की पृष्ठभूमि बताई गई और उदयपुर शहर में ही उसकी शूटिंग हुई। पीड़िता श्रीमती इंदिरा सोनी पत्नी श्री राजीव कुमार सोनी जो कि उदयपुर की निवासी है, इस चैनल वालों ने उनका फोटो लिया और उनका फोटो लेके उस एपिसोड में दीवार पर टांग कर उसे माला पहना दी गई, मतलब कि उसको मृत बता दिया गया। अब होता यह है कि उसको मृत बताया तो उसको एक अय्याश व्यापारी और हत्यारे व्यापारी की पत्नी बताया गया और एक प्यार में असफल रहे हत्यारे युवक की माँ बताया गया। पूरे एपिसोड में उनके परिवार की पृष्ठभूमि जो है वो आपराधिक बताई गई। इस मामले में महिला का काफ़ी उपहास हुआ, क्योंकि वह एक निजी स्कूल में अध्यापिका थी, छात्रों के सामने उसका उपहास हुआ, उसकी मानहानि कारित हुई और इस चक्कर में वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। इस संदर्भ में उसने जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर को 29/5/2018 को एक रिपोर्ट दी, जो पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना घंटाघर को प्रेषित की गई, लेकिन पुलिस थाना घंटाघर ने यह मानते हुए कि इसने अपनी स्वेच्छा से ऑडिशन दिए और यह कहकर उसकी फाइल बंद कर दी गई। इस संदर्भ में हमने न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 के समक्ष धारा 156(3) के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 509, IT Act की धारा 66E और 72 के तहत एक परिवाद पेश किया और उस परिवाद में महिला की तरफ से बताया गया कि यह मुझे जानकारी नहीं है कि किस रूप से इन्होंने मेरा फोटो पब्लिश किया है और उससे मेरी मानहानि कारित।